सनातन धर्म को बचाना है तो प्लीज आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ पर्सन, मेरी प्रार्थना है चादर और फादर से दूर रहें। कितनी भी मिशनरियां हमारे पीछे लग जाएं, हम डिगने वाले नहीं हैं, हम डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम हिंदू शेर हैं। श्री राम, आप अंधविश्वास में तो नहीं पड़ गई? बिल्कुल भी नहीं, यहाँ जो कहता है कि अंधविश्वास है सरासर गलत। खुले तौर से लोगों को ठगते हैं और इसके बावजूद हम उनके चरणों पर माथा टेकने के लिए तैयार होते हैं। नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अंजीर। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों चर्चा में हैं, और एक दो दिन से नहीं, कई दिनों से। वैसे चर्चा की जगह विवाद शब्द ज्यादा मुनासिब लगता है। बागेश्वर बाबा पर इल्जाम है कि वो अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं, उन पर जादू टोना करने का भी आरोप लगा है। बागेश्वर सरकार अपने दरबार में भक्तों के मन की बात जान लेने का दावा करते हैं। वो दावा करते हैं कि जो पर्ची पर लिख कर देंगे वो सही निकलेगा, लेकिन बाबा बागेश्वर के विरोधी इन दावों पर सवाल उठाते हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि ये अंधविश्वास है या फिर चमत्कार, ये अंधभक्ति है या वाकई बाबा बागेश्वर में कोई चमत्कारी शक्ति है। लेकिन इसके साथ ही ये प्रश्न भी उठ रहा है कि क्या बाबा बागेश्वर बहाना है? असली निशाना तो सनातन धर्म है। जो तर्कशास्त्री बाबा बागेश्वर का विरोध कर रहे हैं, क्या वो कभी दूसरे धर्मों में अंधविश्वास के खिलाफ आवाज उठाते हैं? आज हम इन तमाम सवालों की पड़ताल करेंगे। इसके लिए हमारे साथ एक बड़ा पैनल भी है, जिसमें हिंदू, मुस्लिम और ईसाई धर्मगुरु के अलावा फेस रीडर भी शामिल हैं। हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे आपका परिचय भी करवा देते हैं। मेरे साथ मनीषा ढिंगरा चोपड़ा जी हैं, फेस रीडर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही मेरे साथ पंडित अजय गौतम जी हैं, हिंदू धर्माचार्य हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा मेरे साथ सुनील सोलोमन जी हैं, ईसाई धर्मगुरु, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही मेरे साथ हाफिज़ गुलाम सरवर साहब, इस्लामिक स्कॉलर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ थोड़ी देर में और भी खास मेहमान जुड़ेंगे। अतीकुर रहमान साहब जुड़ेंगे, इस्लामिक स्कॉलर हैं बाहर से। पंडुखर सरकार जुड़ेंगे, हिंदू धर्मगुरु हैं। और डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी भी मेरे साथ जुड़ेंगे, हिंदू धर्मगुरु हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, ताकि हमारे जो पैनलिस्ट हैं, हमारे जो दर्शक आप हैं, वो इस रिपोर्ट को आप देखिए और समझिए कि दरअसल विवाद शुरू कहाँ से हुआ और इस विवाद के पीछे की जड़ क्या है। फिर हम पैनल के साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। बहुत बड़ी मिशनरियाँ पीछे लगी हैं, जिनके करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं धर्म बदलवाने में, उन्होंने ही हमारे ऊपर यह टारगेट किया है। बागेश्वर सरकार अंतर्यामी या झूठे स्वामी? आपके घर पर बंगाली विद्या का प्रभाव है। बागेश्वर धाम में दिव्य दरबार कितना चमत्कार। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने चमत्कारों को लेकर चर्चा में। धीरेन्द्र कृष्ण के दरबार में लगने वाली आस्था की अर्जी और बाबा की पर्ची पर जब नागपुर से सवाल उठे, तो रायपुर में आकर बाबा ने सवाल उठाने वालों को ललकारा। हालांकि जब सवाल उठाने वाले नागपुर से रायपुर नहीं आए, तो बाबा ने सफाई भी दी। थोड़ी हम किसी को बुलाते नहीं हैं, हम किसी कोई दावा नहीं करते हैं। हमें जो इष्ट कृपा होगी हम वो लिखेंगे, जो हमारे गुरु की कृपा होगी हम वो लिखेंगे, जो हमारे हनुमान जी प्रेरणा देंगे हम वो लिखेंगे, और जो भी लिखेगा हमें इष्ट पर भरोसा है वो सच और सत्य निकलेगा। अगर ये अंधविश्वास है अपने ईश्वर की, अपने आराधक आराध्य देव की और सनातन धर्म का प्रचार करना अगर अंधविश्वास है, तो प्रत्येक भारत का सनातनी जेल जाना चाहिए, वरना ये मुंह चलाना बंद कर देने, वरना ठटरी मारेंगे। हम आपको वचन देकर कहते हैं खाली हाथ नहीं आओगे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दिव्य दरबार में लोगों का रेला लगा हुआ है, लेकिन इससे बड़ा रेला मीडिया और सोशल मीडिया पर दिख रहा है, जहां धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थकों और विरोधियों के बीच जंग छिड़ी हुई है। बागेश्वर धाम भाई धीरेन्द्र शास्त्री जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। चादर और फादर से भाई धीरेन्द्र जी डरने वाले नहीं है, और मैं कहूंगी उनकी बहुत सारी परीक्षाएं भी ली जा रही है, वो इन परीक्षाओं में खरे उतरेंगे, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, हमें विश्वास है। महाराष्ट्र की संस्था अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के श्याम मानव धीरेन्द्र शास्त्री पर अंधविश्वास फैलाने के आरोपों पर अड़े। उन्होंने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर को चुनौती दी है कि वो नागपुर में उनके मंच पर आए और अपना चमत्कार दिखाएं।
हम ये आह्वान नागपुर के पत्रकारों के सामने कंडक्ट करेंगे, एक पंच कमेटी जो तटस्थ होगी उनके सामने ये कंडक्ट किया जाएगा, फॉर्ड एंड प्रूफ कंडीशंस के अंदर ये होगा, ताकि कोई भी जानकारी आप तक ना पहुंचे इस ढंग की व्यवस्था की जाएगी, और ऐन वक्त पर 10 आदमी आपके सामने हाजिर किए जाएंगे, उनके नाम, उनके पिताजी के नाम, उनकी उम्र और फ़ोन नंबर आप बताइए, और बाजू के ही रूम में जहां ये कंडक्ट किया जाएगा पत्रकार भवन में, उसके बाजू के ही रूम में हम 10 चीज़ें रखेंगे जिसका बाकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग होगा, और वो भी आप अपने दिव्य शक्ति से जानिए और बताइए। दो बार ये कंडक्ट किया जाएगा, क्योंकि पहली बार गलती हो सकती है, इसलिए रिपीटेशन की आवश्यकता है, और दिव्य शक्ति तो आप बार बार रोज उसका उपयोग करते हो, इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो कुल मिलाकर पाखंड बनाम विज्ञान पर घमासान जारी है। एक ओर जहां धीरेन्द्र शास्त्री पर अंधविश्वास को फैलाने और बढ़ावा देने का आरोप लगा है, तो वहीं बाबा पर सियासी घमासान भी चरम पर है। टीम न्यूज नेशन। तो बड़ी बात यह है कि अब तक बहुत सारी उन्होंने उनको चैलेंज दिया गया, उन्होंने अभी रायपुर की अपनी कथा में उन्होंने इस तमाम चैलेंज को स्वीकार भी किया, और हमने देखा कि एक बार उसी तरीके से उस परंपरा को उन्होंने आगे बढ़ाया जिसको मानते हैं कि उनको जानकारी है। पंडित अजय गौतम, मुझे आपसे समझना है कि ये है क्या, ये कोई चमत्कार है जी, या वाकई बाबा कोई अंधविश्वास फैला रहे हैं, क्या मानते हैं आप? देखिए, हमारे यहाँ वैदिक शास्त्रीय विद्याएं हैं, और उन वैदिक शास्त्रीय विद्याओं का आज से नहीं, बहुत हजारों साल से इसके प्रमाण मिलते आए हैं। अगर बाबा तुलसी की बात करें तो उन्होंने क्या लिखा कि भाई, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। यह बाबा तुलसी ने हनुमान चालीसा के अंदर लिखा, 550 साल पहले की बात है। इससे पहले ऋग्वेद की बात कर लीजिए, ऋग्वेद में अग्नि सूक्त आता है, अग्नि सूक्त में कहते हैं अग्निमीले पुरोहितम जगनस्य देवम ऋतविजम। तो इस तरीके के हमारे यहाँ बहुत सारे प्रमाण हैं, जहाँ लोक कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए, और जहाँ जाकर साइंस, जो आज की सो कॉल्ड साइंस है, जहाँ वो खत्म हो जाती है, तो वहाँ जाके हमारी वैदिक शास्त्रीय सनातनी विद्याएं एक लोकाचार के लिए, जन कल्याण के लिए, सेवा भाव के लिए हमारे जो धर्माचार्य हैं वो उसका प्रयोग करते हैं। इसमें अंधविश्वास कहीं नहीं है। देखिए, विश्वास शब्द से ही अंधविश्वास निकला है, ठीक है, तो विश्वास है तभी तो अंधविश्वास की उत्पत्ति हुई। तो ये अंधविश्वास नहीं है, हमारे देखने वालों का नजरिया है। इस देश ने वो भी समय देखा है जब सर्वोच्च न्यायालय में एफिडेविट फाइल करके ये कहा कि राम तो काल्पनिक पात्र, बाबा विशेष है और बाबा को कोई सिद्धि है। देखिए, सिद्धि है, देखिए, आपने तो हनुमान चालीसा का जिक्र किया, हनुमान चालीसा में इस तरह की कोई बात नहीं, हनुमान चालीसा में जो कहा कि अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो आपका कल्याण हो सकता है। तो उन्होंने वो भी तो हनुमान जी की सिद्धि कर रहे हैं, उन्होंने भी तो कहा नासे रोग हरे सब पीरा, क्योंकि वो देखिए जितने भी आपके रोग हैं वो दूर हो जाएंगे। हनुमान चालीसा मुझे कंठस्थ है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपके मन की बात जान सकता हूँ, जी जी, ये तो नहीं है ना, ऐसा तो नहीं कि मैं पर्ची पर कुछ भी लिख दूं वो आपके मन की बात हो, ऐसा तो है नहीं। ऐसी सिद्धियां बहुत सी हैं हमारे यहाँ, मारण है, मोहन है, उच्चाटन है, विद्वेषण है, स्तंभन है, ऐसी बहुत सारी सिद्धियां, खड़दर्शन है, कोई बात ही नहीं है। और अगर इसको मैं थोड़ा सेलिब्रेट कर दूं 10 सेकंड विद योर काइंड परमिशन, मदर टेरेसा जी, बहुत सम्मान करते हैं सब उनका, जब उनको सेंट की उपाधि दी गई तो आप देखिए उसमें लिखा गया कि इन्होंने इतने हजारों लोगों की देवीय शक्ति से उनकी बीमारी को हरा, तब उनको सेंट की उपाधि दी। ये आप सोचिए, मेरी बात नहीं करिए, इस देश के अंदर जो क्रिश्चियनिटी सबसे बड़ा धर्म है, उसके अंदर सेंट बनने से पहले, पोप बनने से पहले, वो अपनी देवीय शक्तियों से लोगों की बीमारी, मानसिक बीमारी, कुष्ठ रोग इत्यादि हरते हैं, तब उन्हें उपाधि मिलती है। इफ आई एम रॉन्ग, माई ब्रदर इज करेक्ट टू मी, ठीक है, मैं उनके पास जाऊंगा, लेकिन मनीषा जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं, ये क्या है आपकी नज़र में? ऑकल्ट रीडिंग, ऑकल्ट साइंसेस, ये सब धर्मशास्त्र में भी है और साइंटिफिकली भी प्रूवन है, लेकिन जिनको भी कई चीज़ों की सिद्धि या ज्ञान हो जाता है, उनके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि उसको यूज़ कैसे करना है और उसका प्रचार कैसे करना है, और लोगों तक, अगर हम मदर टेरेसा की बात करेंगे तो वो हेल्थ दे रहे थे, शी वॉज हेल्पिंग इन ऑल फॉर्म्स एंड नॉट प्रोपगेटिंग हरसेल्फ, अपने आप को प्रोपगेट नहीं कर रहे थे, मगर हेल्थ दे रहे थे, हेल्प कर रहे थे, हेल्पिंग हैंड। तो जिसको भी ज्ञान है, सिद्धि है, हनुमान चालीसा की आपने बात की, तो हनुमान चालीसा अगर हम पढ़ते हैं या कोई भी, हम उस एनर्जी को कॉल कर रहे हैं, वेग को कॉल कर रहे हैं अपने अंदर,
तो आप अपने अंदर जब उसकी कॉलिंग कर रहे हैं, कोई भी सिद्धि जाग सकती है, क्योंकि वी से वी आर नेक्स्ट टू गॉड बट वी आर नॉट गॉड, हम भगवान नहीं हैं। तो बहुत ज़रूरी है ऐसे केस में जिसको भी ज्ञान है कि वो ज्ञान के साथ क्या प्रचार कर रहा है, ऐसा ना हो कि हम एक ईगो गेम में आ जाएं, हम ज्ञान को नॉलेज को लोगों को बहलावे में नहीं, बहकावे में नहीं, उनको सही रास्ता दिखाने में यूज़ करें। नहीं, आप ये कह रही हैं कि वो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं और ऐसी विद्या होती है। सही या गलत का जजमेंट देने वाली मैं नहीं हूँ, लेकिन विद्या होती है, पॉसिबिलिटी है कि उनके पास ऐसा कुछ भी सिद्धि हो, मगर मैं ये कह रही हूँ लोगों को भी ये समझना चाहिए जब किसी डॉक्टर के पास जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, तो वो उससे जानते हैं क्योंकि उनके पास एक साइंस है, लेकिन क्या अपनी सोच अपना कर्म छोड़ देते हैं, उस पर मेहनत करना छोड़ देते हैं? डॉक्टर दवाई लिख के दे देगा, खाएंगे नहीं तो ठीक हो जाएंगे। तो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है लोगों को माइंडसेट अपना भी समझना है कि वो क्या चॉइस ले रहे हैं, फेथ ले रहे हैं या जस्ट मिसबिलीफ ले रहे हैं, उनको भी समझना है और जो देने वाला है उसको भी समझना है कि मैं क्या दे रहा हूँ और कैसे दे सकता हूँ। ठीक है, ठीक है, सुनील जी जल्दी से। जी, दो बातें मैं यहाँ से लूँगा। एक तो आस्था वर्सेज आपने बोला चमत्कार, ये आस्था की बात है कि लोगों का क्या विश्वास है उसी तरीके से लोग बह जाते हैं। और हमारे अपने शास्त्र के अंदर जो जो चमत्कार तो नहीं बोलेंगे हम, आश्चर्य कर्म बोलते हैं जो प्रभु येसु ने चंगाई दे करके करिए, उसके अंदर बोला तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। सो जो अभी यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है, और एक मदर टेरेसा का बात आई, मदर टेरेसा की सेवा थी और वो फिजिकली भी जा कर के लोगों की सेवा करती थी, और उसके अंदर जो उनमें शक्ति थी वो जो उनकी सेंटहुड जब दी गई, तो बीएटिफिकेशन बोलते हैं उसको, उसके दौरान उनके नाम पर प्रार्थना करी जाती है कि वो इस संसार से निकल के दूसरे संसार पहुंच गई, और जब प्रार्थना करते हैं जवाब आ रहा है कि नहीं, तो ये मोर ऑफ ए साइंटिफिक चीज हो गई। तो मेरा कहने का मतलब ये सुनील जी कि जी, जो मैं रेवरेंट सुनील गजन हूँ जी, जो सनातन धर्म में है जी, वो आप बता रहे हैं कि आपके यहाँ भी है। बिल्कुल, मुझे लगता बिल्कुल, है कि रामचंद्र साहब भी इससे इत्तेफाक रखेंगे। जी जी, जरूरतमंद को अगर कोई उसकी जवाब मिल रहा है, ये रखेंगे कि नहीं रखेंगे बताइए। देखिए, सबसे पहले एक लाइन में मैं बता दूं, मुसलमानों में एक टोली है जो इन चीजों पर विश्वास करती है, वो भारतीय संस्कृति का प्रभाव है उनके ऊपर। इस्लाम इन तमाम चीजों का सीधे सीधे खंडन करता, और केवल इस्लाम नहीं, अजय गौतम जी ने वेद की बात की, हम लोगों को पढ़ाया गया था विद्या ददाति विनयम, विनया ददाति पात्राताम, पात्रतया धनमाप्नुति धनात धर्म ततः सुखम। तो धन उपार्जन का मार्ग, सुख का मार्ग, शांति का मार्ग तो विद्या को यहाँ बताया जा रहा, उस वही धार्मिक ग्रंथों में है। और जहाँ तक रामचरितमानस की बात हो रही है, तो गोस्वामी तुलसीदास तो कहते हैं सकल पदार्थ जग माही, कर्महीन नर पावत नाही, और कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करही तस फल चाखा। तो कर्म प्रधान जो है वो इस्लाम भी काम पर ही भरोसा करने को। अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने ये भी कहा था कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर, तो वही अब यही कंट्रोवर्सी है। मैं कह रहा हूँ इसी तरह से कुछ इस्लामिक स्कॉलर कहे जाने वाले लोग उसी कुरान से दो चार ऐसे हवाले निकाल लेते हैं कि हमारे यहाँ भी झाड़ फूक ताबीज घंटा गंडा जंत्र मंत्र तंत्र, लेकिन इस्लाम बिल्कुल इन चीजों की अनुमति नहीं देता। गोल है चपटी है ये तो नहीं, जमीन गोल है। अरे तो कुरान में क्या लिखा भी है, कुरान में क्या लिखा है? मैं कह रहा हूँ कुरान में क्या लिखा है, चपटी। और मैं साबित कर दूं इसी डिबेट में, चपटी कुरान में चपटी लिखी है। हाँ, जिसने गोल आप कहा, कह रहे हैं गोल है, इसका मतलब आप कुरान को नहीं मानते। नहीं नहीं, आप कुरान को नहीं, आप अकॉर्डिंग टू साइंस, अकॉर्डिंग टू जिस व्यक्ति ने एक्सपेरिमेंट किया कि धरती गोल है, अच्छा उसका नाम बताइए, जिसने धरती गोल कहा उसका नाम बताइए, बताइए ना, जिसने धरती गोल कहा उसका नाम बता दीजिए, अकॉर्डिंग टू जिसने धरती गोल बताया उस फार्मूले के देने वाले का नाम बता दीजिए, आर्यभट्ट। अब आर्यभट्ट के फार्मूले को मैं काट रहा हूँ, मैं क्यों नहीं काट सकता भाई? मैं कह रहा हूँ अंतिम व्यक्ति नहीं है इस देश का, इस धरती का, इस धरती का अंतिम व्यक्ति नहीं है। कुरान में धरती
चपटी है और वो साबित कर देंगे। इसका मतलब आप कुरान को नहीं मानते ना? वो हम साबित करेंगे, अभी शो में करेंगे इंशाअल्लाह। बिल्कुल मानते हैं और कुरान के मानने वाले अंधविश्वास पर भरोसा नहीं करते हैं। जो कुरान को मानते हैं वो भूत प्रेत पर भरोसा नहीं करते हैं। अरे इतने सारे जिन आपकी दरगाहों पे इतने सारे जिन खरीदे और बेचे जाते हैं, जैसे आपने उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। और सबसे पहले मैं बता दूं, देखिए इस चर्चा में मेरा जो पार्टिसिपेट करने का मकसद है वो किसी भी हमारे जितने भी यहाँ पर मान्यवर बैठे हैं उनको नीचा दिखाना नहीं है, किसी आस्था को नीचा दिखाना नहीं। आतिकुर रहमान साहब, मैं माफी के साथ आपको बीच में रोक रहा हूँ, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। मैं चाहता हूँ कि आवाज एक बार ठीक हो जाए तो मैं दोबारा आपके पास आता हूँ। पंडोकर सरकार जी, बड़ी बात यह है कि आप गुलाम सरवर साहब को छोड़ दें तो बाकी सब लोगों ने कहा हाँ इस तरह की चीजें होती हैं और एक सिद्धि होती है, लोग मानते हैं, लेकिन मेरा सवाल यह है कि फिर धीरेन्द्र शास्त्री पर ही क्यों सवाल, फिर बाकी लोगों पर सवाल क्यों नहीं? सबसे पहले मैं पंडोकर धाम की पीठ की ओर से मैं यहाँ से प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, पंडोकर सरकार को ही हनुमान जी पंडोकर सरकार कहते हैं। देखिए धीरेंद्र कुमार शास्त्री जी के ऊपर जो आपने सवाल उठाया है जी, तो और जो आपकी अन्य समितियों के माध्यम से प्रदेशों अन्य प्रदेशों में जो धारा है उन धाराओं के तहत जो वहाँ संविधान बनाया है और वहाँ पर उन्होंने जो अपना दरबार लगाया अपनी राम कथा हनुमंत कथा प्रवचन के माध्यम से और जो उन्होंने अपना वहाँ कुछ किया, उन्होंने वहाँ से कुछ बिफोर समय से पहले वहाँ से निकले, उस पर लोगों ने उनको भगोड़ा कहा, जो कि उनके गुरुजी का कार्यक्रम था, उसमें पूर्व से ही उनको जाना था, निश्चित कार्यक्रम था और उन्होंने SMS के माध्यम से बताया था। अब वो सनातन का बड़ा काम कर रहे हैं तो वो अपने गुरु के शरण में जाएंगे क्यों नहीं? कौन व्यक्ति अपने गुरु के शरण में नहीं जाना चाहता? तो वो अपने गुरु की शरण में उनके जन्म महोत्सव में सम्मिलित होने गए, वहाँ की संगठन ने उनको भगोड़ा घोषित किया है, ठीक है। लेकिन अंधविश्वास की आप लोग जो बात कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ अपने सभी दर्शक बंधु जो बैठे जो है, पूरे देश भर के लोग देख रहे हैं, पूरे दुनिया देख रही है, देश विदेश के सभी आपके चैनल के दर्शक लोग देख रहे हैं। हमारे खान साहब जो बोल रहे थे, हमारी जो बहन बोल रही थी, हमारे आचार्य जी बोल रहे थे और सभी विद्युत समाज जो विराजमान है, देखिए मुसलमान धर्म में भी अनेक अनेक परवर्जन पंडोकर धाम में प्रति माह अमावस्या पर लगभग 2-3 हजार लोग मुस्लिम संप्रदाय के परिवार के लोग आते हैं, जिनके ऊपर भूत प्रेतों की सवारियां आती हैं और पंडोकर धाम से निवारण प्राप्त हुआ है। चाहे तो आप आके देख सकते हैं कि कम से कम 2-3 हजार परिवार प्रति महीने आते हैं, पूरे देश भर से मुस्लिम संप्रदाय के परिवार आते हैं। तो ये तो आरोप गलत लगा रहे हैं कि भूत प्रेत बाधा नहीं होती है। यदि भूत प्रेत बाधा नहीं होती है, कोई देवी देवता नहीं होते हैं, तो मजार मस्जिद क्यों क्यों मजार बना रहे हो? क्यों जगह जगह आप पीर बाबा बैठा रहे हो, सैयद बाबा बैठा रहे हो और क्यों जगह जगह इसके नाम पे तमाशा करा रहे हो? ऐसा है भाई, मैं किसी धर्म का विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन हाँ भूत बाधा होती है, देवी देवता होते हैं, मैं समर्थन करता हूँ। और जो हमारे धर्म गुरु जी जो बोल रहे थे, हमारी जो बहन बोल रही थी, हमारे जो भाई लोग बैठे सुन रहे हैं, मैं सबसे आग्रह निवेदन कर रहा हूँ कि देखिए अनेक अनेक प्रकार की विद्याएं भारतवर्ष में हैं, जो जान जाते हैं वो विद्या नहीं है, बात है। इसीलिए इसीलिए जाना भी जाता है। मैं आ रहा हूं पंडोकर सरकार को, अरविंद जी आपके पास भी आऊंगा। स्वागत है लगातार, हम चर्चा कर रहे हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। दो खास मेहमान बच गए थे, उनसे बात नहीं हो पाई थी। अरविंद त्रिपाठी जी, सबसे पहले आपके पास ही आ रहा हूं। भाई मैक्सिमम लोग ये सहमत हैं कि ये होता है, ठीक है सभी धर्मों में लगभग, लेकिन फिर सवाल धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर क्यों? जी देखिए अंजीत जी, इस पर चर्चा करने के पहले कुछ ऐसी बिंदु है जिसको जानना बहुत जरूरी है जी। यह जो अपना भारत देश है, ऋषि मुनि महर्षियों का देश है, सिद्ध संतों का देश है, यहाँ साधना होता है और साधना जब व्यक्ति करता है तो अपने इष्ट का करता है, जब अपने इष्ट का करता है तो व्यक्ति के अंदर इष्ट की चीजें आत्मसात हो जाती है, इनहेरेंट करता है, इनहेरेंट करता है तो वह व्यक्ति प्रभावशाली होता है, उसके अंदर परा और अपरा शक्तियां आती हैं, जो लोक हितार्थ, पर हितार्थ, देश हितार्थ,
कल्याण की भावना से लोगों की मदद करता है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यह आकर्ष साइंस में होता है, व्यक्ति जब साधना करता है तो साधक होता है, तो साधक जब हो जाता है तो उसका ऑरा मंडल बहुत तीव्र हो जाता है, तो अपने ऑरा मंडल के प्रभाव में बहुत ऐसी चीजें हैं जिसके स्पर्श मात्र से, देखने मात्र से ही वो चीजें सॉल्व हो जाती हैं। इसको आप ज्योतिषी एंगल से ले सकते हैं और वैज्ञानिक एंगल से ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति ज्योतिष का काम करता है और जब छठे आठवें बारहवीं की महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा चलता है तो व्यक्ति के अंदर सूर्य चंद्रमा हो, चंद्रमा के साथ केतु हो, या चंद्रमा के साथ जब राहु की युति होती है और छठे आठवें बारहवीं की महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा होती है। लेकिन अरविंद जी दोनों में फर्क है, ऊपरी शक्तियों से मैं सहमत हूं, दोनों में फर्क है। मैं बताता हूं अरविंद, दोनों में फर्क है। फर्क नहीं है, देखिए मैं आपको बता, नहीं मैं बताता हूं क्या फर्क है। फर्क ये है कि जब आप किसी की कुंडली देखते हैं, मेरी मैं क्या कह रहा हूं सुनिए तो, जब आप किसी की कुंडली देखते हैं तब आप ग्रहों की दशा देख पाते हैं, लेकिन किसी के मन की बात जानना, भाई मेरे मन में क्या चल रहा है जी, ये अगर आप जान लीजिए तो फिर तो अलग बात हो गई ना। अष्ट भाई मैंने यहां क्या लिखा हुआ है, अगर आप वहां से बैठ के पढ़ लीजिए तो मैं मान लूं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। देखिए ये जिनकी साधना करते हैं वो संकट मोचन हनुमान जी हैं, बजरंग बली हैं, उनको कहते हैं कि अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, आठ प्रकार की सिद्धियों के नौ प्रकार की निधियों को देने वाले हैं, और संकट मोचन हनुमान जी खुद हर प्रकार के दाता उनके उनका इष्ट है, उनकी तपस्या करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनके लिए कोई बहुत बड़ी असंभव चीज नहीं है। ठीक है, और कहते ना कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, जहां महावीर नाम सुनावे ना से रोग हरे सब पीड़ा। सुख शांति के लिए हमारे यहाँ पूजा का बिल्कुल प्रावधान है, और आप जैसे जो ज्ञानी लोग हैं, जो सनातन को जानते हैं, वो लोग भी बताते हैं इसमें नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है, विवाद नहीं हो रहा, मैं आ रहा हूँ अरविंद जी। मुझे जी जी इसमें इसमें देखिए क्या है। ठीक है ठीक है, मैं आ रहा हूँ, दो मिनट मुझे दीजिएगा, पूरी हो जाने दीजिए। ठीक है, जल्दी से जल्दी नहीं होना, इसलिए विवाद नहीं होना चाहिए कि कुछ तथा कथित लोग हैं जो अपनी सस्ती लोकप्रियता के लिए इस तरह का विवाद उत्पन्न करते हैं। कौन है वो लोग, किसी प्रकार का नहीं, कौन है, साफ साफ बोलिए ना, तथा कथित लोग कौन है बोलिए ना साफ साफ, जो भी हो, जैसे आप जिस तरह के लोग इस बिंदु पर विषय हटा। देखिए सारे धर्मों में इस तरह की चीजें होती हैं, अगर व्यक्ति पीड़ित है, परेशान है, शारीरिक रूप से दुखी है, तो व्यक्ति अपने मौलवी के पास जाता है। आपकी बात बीच में रह गई थी, जल्दी से कंप्लीट करिए अतिकु रहमान साहब। ठीक है ओके, अरविंद त्रिपाठी जी मैं आ रहा हूं, आपका वहां जाता है। ठीक है अतिकु रहमान साहब, जल्दी से, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी अब ठीक है, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। देखिए मैं किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं, मेरा मकसद सिर्फ इसमें भाग लेने का यही है कि जो इस्लाम और कुरान का पहलू है वो आपके सामने में रखूं। कुरान के अंदर जो करामात अल्लाह ताला ने अपने पैगंबरों को दी, सबसे ज्यादा उसमें ईसा अलैहि सलाम के साथ में करामातें जुड़ी है, दिव्य शक्ति की जो बात हो रही है, उसके बाद में कम होते 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 हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद पैगंबर के साथ में ये बहुत ही सीमित हो गई थी। इसमें कुरान का ये कहना है कि अब क्योंकि हमारी सोसाइटी, हमारा समाज, हमारे लोग इस तरह से विश्वास करने लगे थे कि हाँ कोई ऐसा खुदा है जिसकी परस्तिश हो सकती है, तो यानी इसके बाद में प्रॉफिट मोहम्मद के साथ साथ में नबूवत को, प्रॉफिटहुड को खत्म कर दिया गया। अब हमारे जो उलेमा हैं, हमारे जो आलिम हैं, वो कहते हैं कि आलिमों का काम, उलेमा का काम करामात ना होता है, उनको वाजे करना नहीं होता है, वो अपने तरीके से अल्लाह की इबादत करके लोगों को फायदा पहुंचाएं, उनकी दुख तकलीफ उनकी समस्याओं को दूर करें, उससे पैसा कमाना, उनको कोई भ्रम में रखना, उनको किसी तरह का जादू टोना, इस तरह की बातें करना, ये साइंस के खिलाफ हो जाता है, इसको सुपरस्टिशन अंधविश्वास में ही गिना जाएगा। ठीक है पंडुकर सरकार, मैं एक सवाल आपसे जल्दी से करना चाहता हूं। अभी मैं एक खबर पढ़ रहा था, तमाम जगहों पर ये खबरें आपके पास भी होंगी, अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी, उन्होंने कहा कि जोशीमठ की दरारें भर दें धीरेन्द्र कृष्णास्त्री तब मानूंगा ये चमत्कार है। देखिए मैं अभी आदि हमारे आदिगुरु शंकराचार्य जी के जो निर्मित गद्दियां हैं उनके आज वो प्रमुख वहाँ के
आचार्य हैं और वहाँ के आज हमारे देश के धर्माचार्य हैं और शंकराचार्य भगवान के स्वरूप में वो गद्दी पर विराजमान हैं। उन्होंने जो तर्क किया है ये तर्क ठीक नहीं है। दरारें एक प्राकृतिक हैं और ये भूचल होने के कारण से पृथ्वी में जो गैपिंग आई है, जो उसमें दबाव आया है, वाइब्रेशन आया है, जिसके कारण से है, इसमें कोई शक्तियां दरारें नहीं बढ़ती हैं। वहां शक्ति है तभी तो वहां कोई घटना नहीं घटी, ये जानना चाहिए। मैं महाराज जी के किसी वक्तव्य शब्द से मैं उनका कोई अनादर नहीं कर रहा हूं और ना ही उनका कोई मैं खंडन कर रहा हूं। महाराज जी का ये शब्द उचित नहीं है। हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी श्री राम कथा के माध्यम से धर्म का प्रचार कर रहे हैं। लेकिन पंडोकर सरकार जी, आप अपनी बात पूरी करें। मैं एक बात आपको माफी के साथ बीच में रोक के कह रहा हूँ, और अजय गौतम जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, उनकी भी बात सुनेंगे, लेकिन दोनों में फर्क है। फर्क यह है, मैं बहुत क्लियर कर देना चाहता हूँ दर्शकों को। जब जब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से पूछा गया कि आप कोई चमत्कार करते, उन्होंने कहा कोई चमत्कार नहीं करता हूं मैं। उन्होंने कहा मैं कोई चमत्कार नहीं करता, हमारे अर्जी लगती है। अजय गौतम जी आप कंप्लीट करिए। मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी की बात कही, मेरे गुरु भाई हैं, ठीक है, मैं उसी गद्दी से आता हूँ। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, धीरेन्द्र शास्त्री जो बड़े महाराज जी थे, स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी जो ब्रह्मलीन हो गए, वो उनके भी, उनको भी आशीर्वाद दिया धीरेन्द्र शास्त्री को। अब दूसरी बात ये कि इसको ये तर्क स्वीकार करने योग्य नहीं है। मैं सभ्यता से कह रहा हूँ, आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने एक वर्ष के लिए परकाया में प्रवेश किया था, ये रिकॉर्डेड चीज है। क्या अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी उसी शंकराचार्य परंपरा में होते हुए आधे घंटे के लिए भी परकाया में प्रवेश कर सकते हैं? इसलिए इन सब बातों की कोई औचित्य नहीं। सवाल ये है, सवाल सिर्फ इतना सा ये है कि जो धीरेन्द्र शास्त्री जी कर रहे हैं वो सनातन धर्म का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं शुद्ध रूप से। सबको संविधान उसकी इजाजत भी देता है, जिसे आप अब देखिए, जैसे अतिकुल रहमान जी हैं, उन्होंने इस्लाम की बात करी तो उन्हीं के उसमें आता है कि उनके एक हजूर थे, उन्होंने चांद के दो टुकड़े कर दिए थे, एक इधर फेंक दिया एक उधर फेंक दिया, ये उनका बिलीव है। अब आप क्या संभव है, अब मैं बताऊं, गुलाम सरवर साहब से पूछूं, क्या ये संभव है कि कोई चांद के दो टुकड़े करके इधर फेंक देगा या उधर फेंक देगा? तो मैं वही कह रहा हूं। और ये तो प्रथम प्राइमा फेसाई ये इस चीज का, ये हमें लगता है कि जब, और ये इनके पीछे लोग पड़े क्यों हैं, जब इन्होंने जब इसका क्रिसमस डे का विरोध किया, इन्होंने कहा कि क्रिसमस के दिन अपना हम अपने बच्चों को सेंटा बनाने बनाने की बजाय हम अपने अपने आदर्श के, हमारे इतने ऋषि मुनिया वो बनाना चाहिए। और क्रिसमस वाले दिन ही इन्होंने जो लोग ईसाई धर्म में चले गए थे उनकी पुनः वापस से हिंदू धर्म के अंदर घर वापसी कराई, तो ये चर्च के और मिशनरीज के निशाने पर आ गए। और चर्च और मिशनरीज के निशाने पर आने के बाद ये शाम मानव को एक तरीके से एक पपेट के तौर पर आगे करके ये सारी कंट्रोवर्सी को शुरू करा गया। सवाल इतना सा है कि भाई जय धीरेन्द्र शास्त्री जी हो, पांडुकर सरकार हो, जो भी है, वो अपनी विद्या से किसी का फायदा ही कर रहे हैं, नुकसान हुआ क्या किसी का? कोरोना की वैक्सीन लेनी, उसके साइड इफेक्ट्स के कारण हजारों लोग मर रहे हैं, ठीक है, स्टडीज आ रही हैं, कोर्ट में, बॉम्बे हाई कोर्ट में केस बढ़ाएगी कोरोना की वैक्सीन से ये दुष्प्रभाव हुए। नहीं, वो ये ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि भाई उन्होंने कोई नुकसान नहीं किया, आप ये कह रहे हैं, लेकिन फायदा तो हो ही रहा है, लेकिन वो ये कह रहे हैं जो नुकसान भी नहीं कर रहे हैं, तो ये जन कल्याण की बात है, अप्रिशिएट करना चाहिए। अतिकुर रहमान साहब जल्दी से कंप्लीट करिए, जल्दी से, बाकी लोग भी। देखिए अजय जी, फायदे और नुकसान का सवाल ये है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट को आप चैलेंज कर रहे हैं। कोई भी दिव्य शक्ति की जब बात आती है तो इलॉजिकल एलिमेंट जो हैं वो इलॉजिकल एलिमेंट को नेगेट करना जरूरी है, तब जाके तो हमारे बच्चे आगे बढ़ पाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में दिव्य शक्ति की बात करना, इस तरह के पावर्स होना, ये एंटी साइंस हो जाएगा, ये सुपरस्टिशन हो जाएगा। और देश की 14 यूनिवर्सिटीज के अंदर, यूजीसी एक्ट के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी के अंदर मंत्र चिकित्सा पढ़ाई जाती है, ये तो रिकॉर्डेड है सर। ठीक है, समय कम है, पंडुकर सरकार जी मुझे जल्दी से बताइए कि इस तरह के सवाल तो उठते रहेंगे आगे, फिर रास्ता क्या है आगे, जल्दी से। देखिए,
जिनको आरोप लगाना है वो तो लगाएंगे ही, लेकिन जब तक किसी को जाना ना जाए, परीक्षा ना जाए, तो किसी पर आरोप नहीं लगा सकते। इसके शोध का विषय है। हम तो कहते हैं पंडुकर धाम आए, और पंडुकर धाम आने पर आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जैसे लोग जितने भी तर्क कर रहे हैं कि शक्ति होती है कि नहीं होती है, मन के अंतर के चल रहे विचारों को पढ़ पाते हैं नहीं पढ़ पाते, उनके भौतिकवाद की परेशानियां बता पाते नहीं बता पाते, समाधान बताकर उन्हें मार्गदर्शन कर दिया जाता है। पंडुकर धाम जीता जागता पूरे विश्व के लिए शोध का केंद्र पंडुकर धाम है। हम सबको निमंत्रण करते हैं कि पंडुकर धाम आकर के दर्शन करें। ठीक है मनीषा जी, मुझे एक चीज बताइए कि कुछ लोग लगाने वाले कहीं बंद नहीं होंगे। ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं वो फेस रीडिंग कर लेते हैं, क्या फेस रीडिंग से पहचाना जा सकता है, जाना जा सकता है कि मेरे मन में क्या चल रहा है? फेस रीडिंग से, माइंड रीडिंग से, ऑकल्ट रीडिंग से बहुत चीजें आपके अंदर क्या चल रही है वो जानी जा सकती है, क्योंकि वो वाइब्रेशंस आप रिलीज करते हो जिनको वो सटल एनर्जीज को रीड करने की प्रैक्टिस हो जाती है। दे कैन इजिली रीड इट, क्योंकि आपका अपना एक आवा मंडल होता है जिसको हम ऑरा भी बोलते हैं, और वो इंस्टेंटली रीड हो जाता है विद प्रैक्टिस। तो क्या आप बता सकती हैं कि मेरे मन में क्या चल रहा है अभी? इस समय तो द्वंद चल रहा है। नहीं, इससे लोग भरोसा नहीं करेंगे ना। तो मैं अभी यहाँ पे, क्योंकि ये सारी चीजें साइलेंस में होती हैं, पहली बात नंबर वन। लेकिन उनके पास तो साइलेंस भी नहीं होता है, भीड़ होती है हजारों की। किसको क्या क्या चीज वाइब्रेट हो रही है और वो क्या ज्ञान से कनेक्टेड है ये नहीं कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर आप कहते हैं हनुमान जी की शक्तियाँ हुई, तो आगे हमें क्या दिया गया? हनुमान चालीसा, ज्ञान, उसको पढ़ने का ज्ञान दिया गया। तो कुछ ऐसी चीजें दें जो ज्ञान के माध्यम से लोगों को जागरूक करें, ना कि उनको इस तरह से किसी पे डिपेंडेंट बना दें। ठीक है, मैं आपके पास भी लौटूंगा। आप अजय गौतम जी ने बड़ा गंभीर आरोप लगाया, उन्होंने कहा कि इसलिए वो निशाने पर आ गए क्योंकि कुछ लोगों की वापसी करा दी उन्होंने। ये ऐसा होता है क्या? कैसे, क्या उन्होंने ये कहा कि कुछ लोगों की वापसी करा दी, कुछ लोग ईसाई बन गए थे, उन्होंने वापसी करा दी, वो ऐसा होता है क्या? वो उनका निर्णय है, जिस जो वापसी हुई या आए वो उससे कोई नहीं। आपने जिसके लिए यहाँ पर बुलाया वो चमत्कार है या है ना, तो मैं अपने बाइबल के हिसाब से बता देता हूँ आपको कि जो आत्माओं का है वो बहुत ज्यादा जिक्र है। हम खुद जिस पे विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा, सो परमेश्वर भी आत्मा है और परमेश्वर को किसी ने देखा नहीं है ना। सो जो बागेश्वर जी कर रहे हैं और उनके फॉलोअर्स भी काफ़ी, जैसे मैं देख रहा हूँ इसमें वीडियो में, सो आत्माओं के द्वारा होता है कि जो लोगों को चंगाई, लेकिन हम लोग जिस पर विश्वास करते हैं वो प्रभु येसु की पवित्र आत्मा पर और चंगाई देते हैं, और जो बागेश्वर जी हैं किसी और आत्मा से कर रहे हैं, वो लोगों को रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो हमको तो निजी रूप से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यह है, आप लॉजिक की बात करते हैं, लॉजिक के लिए कहते हैं, लॉजिक ओनली ब्रिंग्स ऑर्डर बट फेथ प्रोड्यूसेस मिरेकल्स। तो जो ये आश्चर्यकर्म हो रहे हैं या लोगों के जीवन में कुछ चंगाइयां मिल रही हैं, कुछ भी है, वो उनकी आस्था है, और उसमें इंटरफेयर करने का और ये और इश्यूज लाने का कोई जगह नहीं बचती। नहीं, मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हैं, बट उन्होंने सवाल उठाया था इसलिए हमने उसको जोड़ के कनेक्ट किया। बोले ना बोले, नथिंग टू डू विद दैट। देखिए, बार बार एक सवाल ये आ रहा है कि सिर्फ, मैं उस पर सिर्फ सनातनियों पर मैंने बात क्यों की जा रही है, ये सवाल भी बना जा रहा। पहले तो ये जान लें कि क्रिश्चियनिटी हो या इस्लाम हो, इन दोनों में, अभी यहाँ पर फादर हैं तो बताएंगे, कैथोलिक का अलग मानना है, प्रोटेस्टियन का अलग है, ऑर्थोडॉक्स मेथोडॉक्स, इस्लाम में आ जाएंगे तो वहाबीज्म जो है हमारे यहाँ वो अलग है, क्या कहते हैं, बरेलवी हैं, कई और पंथ हैं जो सूफी संतों का एक जमावड़ा है, उनके यहाँ नाचना गाना भी अलाउड है, उनके यहाँ कव्वालियाँ भी होती हैं, उनके यहाँ झूमते भी हैं, गाते भी हैं, बहुत कुछ ताबीज गंडों पर जमकर। लेकिन शुद्ध रूप से इस्लाम की यदि बात करेंगे तो हमारे यहाँ ये बताया गया कुरान रखने के लिए नहीं है, कुरान पढ़ने के लिए, पढ़ोगे तो बढ़ोगे। ठीक है, इसलिए ये जो कहा जा रहा है, हाँ जो बातें ये कह रहे हैं नबी, हाँ बता रहा हूं, नबी अवतार और आम लोगों में अंतर जब तक नहीं बनेगा तो सभी लोग अपने आप को अवतार ही घोषित कर देंगे। और एक बात, इसलिए नबी से संभव है ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में हम लोगों का मानना कि वो मुर्दे को भी जिंदा करते थे, और जी
ये सर मानना हमारा है, कुरान में है जिक्र, तो इसीलिए लेकिन आम अब गुलाम सरवर कहे गुलाम, वो मैं तो कह रहा हूँ कि जब मुर्दे को जिंदा कर सकते हो, चांद को कह रहे हैं थोड़े बड़े कर सकते हैं, लेकिन दोबारा सरकार दे दिया। देखिए हमारे पैनल में पंडोकर सरकार है, पंडोकर सरकार ने कहा कि यहाँ आ जाइए सारा चैलेंज स्वीकार है। पंडोकर सरकार जी ऐसे लोगों का हम अपने यहाँ बुला रहे हैं, चांद के दो टुकड़े कैसे पढ़ने नहीं कह रहे, ये विज्ञान पढ़ने नहीं कह रहे, और जब चांद के कर दिए सुखम, वो जो चांद को मारिएगा तो बढ़िएगा, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा, इस्लाम पढ़ने कहता है, आज भारतीय समाज का मुसलमान चूके नहीं पढ़ा है इसलिए अंधविश्वास में लिपटा है। और अभी हमारे पंडोकर बाबा भी आदरणीय कि हमारे दरबार में भी मुसलमान आता है, सब मुसलमान सारे दरबार में जा रहा है, भाई चांद का दो टुकड़ा हुआ है, चांद अभी तो उसने पढ़ा ही नहीं, चांद का दो टुकड़ा भी हुआ, मुर्दा जिंदा भी हुआ, खुदा से बात भी हुई, चांद तमाम चीजें होंगी, चांद को पूरा कर दो। चलिए सर हम बहस से भटक गए, हमारे और आपके लिए किताब दिया गया, ओके सर ओके, ये बड़ा सीरियस इशू है, ओके आप इसीलिए मैं कह रहा हूं, इसीलिए मैं कह रहा हूं कम से कम चांद तो पूरा हो, बिल्कुल मैं कह रहा हूं पंडोकर सरकार, अरे सुनिए तो सर, सुनिए तो पंडोकर सरकार ने कहा, अजय गौतम जी एक सेकंड सरवर साहब, अरे सुन तो लीजिए, अरे सुन लीजिए सर, छोड़िए पंडोकर सरकार, ऐसे लोगों को आप अपने यहां कब बुला रहे हैं जो चैलेंज कर रहे हैं, पूरी दुनिया को पूरे चांद से महरूम रखा हुआ है आपने। मैं तो चाहता हूं आज ही आ जाए, क्योंकि आपके सभी चैनल पंडोकर धाम में इस समय अंतरराष्ट्रीय सभी चैनल यहाँ उपस्थित है, मैं सभी को अपना परिवार का भाई और धर्माचार सभीओं को बुला करके अपना अतिथि स्वीकार करते हुए दरबार का दर्शन और धाम का भ्रमण कराएंगे और दरबार भी दिखाएंगे और जो चाहें वो पूछें, और मैं प्रयास करूंगा संभवतः कि धर्म की स्थापना हो, धर्म के लिए यदि कोई राष्ट्र के लिए सुरक्षित रखने के लिए सबकी खुशी मनाने के लिए जन कल्याण के लिए यदि मुझे कुछ और भी करना पड़ा तो मैं अवश्य करके दिखाऊंगा। और बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए।